हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेटकास्ट ऑन वेब टेक जोन। मैं दोस्तों आज सिखाऊंगा दोस्तों गूगल ड्राइव में आप ईमेल आईडी कैसे शुरू कर क्रिएट कर सकते हो। गूगल ड्राइव क्या है दोस्तों, ईमेल आईडी कौन सा आपको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, सब सिखाऊंगा दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। हाँ दोस्तों, मैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो अपडेट करता हूँ जिससे आपका नॉलेज बढ़ता है। अगर इस वीडियो से आप सेटिस्फाइड हो जाओ या आपको अपने आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, तो जाने से पहले दोस्तों एक सब्सक्रिप्शन और बेल आइकन ज़रूर दबाना। वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कीजिए, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम बात करें गूगल ड्राइव में अकाउंट बनाना। दोस्तों गूगल ड्राइव में अकाउंट बनाना मतलब ईमेल बनाना मतलब क्या है वो पहले समझ लीजिए। गूगल को सबको मालूम है गूगल क्या है। गूगल एक सर्च इंजन है दोस्तों, जहाँ पे आप जो चाहे सर्च कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे गूगल में आपने ईमेल आईडी बना दिया, मतलब जीमेल में आपने ईमेल आईडी बना दिया, तो दोस्तों यही ईमेल आईडी है जो आपको गूगल ड्राइव में यूज़ करना है। बिकॉज दोस्तों गूगल ड्राइव कुछ अलग है नहीं, गूगल ड्राइव जो है ये गूगल का ही एक सर्विस है जो आप एक ही ईमेल आईडी से वो गूगल ड्राइव भी यूज़ कर सकते हो और जीमेल आईडी भी यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हो, फ़ोटो भी गूगल फ़ोटो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, प्ले स्टोर से कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ड्यू कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे गूगल के सर्विसेज हैं जो बहुत फेमस है दोस्तों। अभी जो आपने सर्च किया गूगल ड्राइव में ईमेल आईडी कैसे बनाए, तो दोस्तों आपका जो गूगल का ईमेल आईडी या जीमेल का ईमेल आईडी है वही आपका गूगल ड्राइव का ही ईमेल आईडी है। तो दोस्तों इसी ईमेल आईडी से आपको गूगल ड्राइव में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको जाना ये नंबर पे, पर ये ऑप्शन पे और जाना है। आपको किधर जाना है, यहाँ पे गूगल ड्राइव रहेगा, ये देखिए इस पे जाना है, क्लिक करना है। ओके, तो दोस्तों गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा, ये डायरेक्ट मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया दोस्तों। आप प्ले स्टोर से सॉफ्टवेयर भी ये कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, प्ले स्टोर में आप जाइए, यहाँ पे ड्राइव सर्च कीजिए, गूगल ड्राइव या ड्राइव भी लिख सकते हो, तो गूगल ड्राइव आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही फेमस है, बहुत लोग इसको दुनिया भर में यूज़ करते हैं, बिलियन लोग इसको यूज़ करते हैं गूगल ड्राइव दोस्तों। आप इसमें फाइल सेव कर सकते हैं, आप इसमें PDF सेव कर सकते हैं, एक्सेल फाइल सेव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों गूगल ड्राइव में अगर आपको फ़ोटो वीडियो करना है तो आप गूगल ड्राइव मत यूज़ कीजिए, गूगल फ़ोटो यूज़ कीजिए, जो कि मैंने आपको दिखाया। ये जो गूगल फ़ोटो मैंने आपको दिखाया था, एक सेकेंड, ये जो गूगल का ही सर्विसेज है गूगल फ़ोटो, इसको आप यूज़ कर सकते फॉर फ़ोटो एंड वीडियो के लिए। और कॉन्टैक्ट के लिए आपको गूगल कॉन्टैक्ट यूज़ करना है। ये प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन मिलते हैं। और गूगल ड्राइव ओनली फॉर आपके जो फाइल्स रहते हैं, एक्सेल फाइल, PDF फाइल, उसके लिए यूज़ होता है दोस्तों। ओके, तो गूगल ड्राइव आप एक ही ईमेल आईडी से यूज़ कर सकते हो जो आप गूगल में यूज़ करते हो। गूगल और जीमेल सब एक ही है दोस्तों। ये देखिए गूगल ड्राइव, आप इसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद ये देखिए दोस्तों गूगल ड्राइव गूगल का ही है। तो इन शॉर्ट दोस्तों गूगल ड्राइव में कुछ अलग से ईमेल आईडी बनाना नहीं पड़ता, आपका जो गूगल का ईमेल आईडी या जीमेल का ईमेल आईडी है वही आप गूगल ड्राइव में यूज़ कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों ये गूगल ड्राइव ओपन हो गया और मेरा ईमेल आईडी वही है, देखिए ये गूगल का ही मेरा ईमेल आईडी है। तो दोस्तों पहले आपको गूगल में जाके आपका ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा, बाद में गूगल ड्राइव में आपको उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा, तो गूगल ड्राइव भी ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आइडिया मिली होगी। जाने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस है नहीं, अगर आप सेटिस्फाइड हो इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।